नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। अधिक विद्यार्थियों, कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पेपर आज सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% विद्यार्थियों वो इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि हर साल जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्यूशन करवाए जाते हैं तो उन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आपसे उम्मीद रहेगी, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं भी है, तो भी आप निश्चिंत रहिए, बस आपका स्कोर बेहतर रहेगा बाकी स्टूडेंट से अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यानपूर्वक इस प्रश्न पत्र को याद कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन पेपर एक ही बार में याद हो जाएगा आपको, क्योंकि मैंने सारे के सारे उसके आंसर हैं वो इंक्लूड इसके साथ ही कर दिए, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। बस लगातार जुड़े रहिए इसी चैनल से। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए, वो भी देख लीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि जीवन की मूल आवश्यकता नहीं है, इनमें से कौन सी है वो जीवन की मूल आवश्यकता नहीं है, तो वो कपड़ा। ठीक है, कपड़े नहीं होंगे तो भी हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल, भोजन और वायु नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, तो इसलिए आवश्यकता है ये मूल आवश्यकता नहीं है कपड़ा। उसके में उसमें से अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से जल चक्र की प्रक्रिया कौन सी है, जल चक्र जैसे पहले वाष्पन होगा फिर संघनन होगा, इस तरीके से वापस इस तरीके से जल चक्र हो जाएगा, तो ये आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न देखिएगा कि दिए गए समीकरण में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जैसे दे रखा है ना mg प्लस बराबर mgo, ठीक है, तो यहाँ O2 आएगा, ठीक है, और यहाँ दो आ जाएगा, दो अणु है इसके दो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा mgo, 2mgo, तो यहाँ O आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। हाँ, छोटा दर गर्म पानी से भरे बीकर में आप थर्मामीटर डालेंगे तो पारे के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पारा ऊपर चढ़ जाएगा, ध्यान रखना तापमान बढ़ जाएगा तो पारा ऊपर चढ़ेगा। और उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिएगा, पांच में दे रखा है कि दिए गए चित्र में सबसे पहले कौन सी आल्पिन नीचे गिरेगी, पहले आल्पिन नीचे कौन सी गिरेगी, बी वाली, ये वाली, क्योंकि ये भारी है तो वहां से ऊपर से फेंकेंगे तो जल्दी नीचे गिरेगी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सट्टा प्रश्न देखिएगा, सट्टे में क्या पूछा गया है कि दिए गए चित्र में तीर का निशान किस अंग को प्रदर्शित करता है, तो तीर का निशान है ना किस अंग को प्रदर्शित करता है, फेफड़े को, किसको, फेफड़े को। ओके, ये आपके सही क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। उसके बाद आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, बस आप निश्चिंत रहिए, लगातार वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। सातवां, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए, क्लोरीन को Cl के रूप में लिखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को H के रूप में लिखते हैं, ब्रोमीन को Br के रूप में लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखते हैं। ओके, याद हो जाएगा, बस स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर आपको एक ही बार में याद न हो तो। आठवें प्रश्न दे रखा है, यदि समुद्र के पानी से समस्त काई खत्म हो जाए तो उसका क्या प्रभाव किन किन जंतुओं पर पड़ेगा, तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। अगर आपको ये साफ नहीं दिख रहा है तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, क्या वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देना है और आपको 480 या फिर 720 पर कर देना है, ठीक है, वीडियो की क्वालिटी को, तो आपको साफ दिखाई देगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपको लिख देना है। आठवें के बाद देखिएगा नौवा प्रश्न, नौवें में पूछा गया है कि आपके पास सफ़ेद और काले रंग के कपड़े हैं, गर्मी के दिनों में आप किस रंग के कपड़े का चयन करेंगे और क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर काले कपड़े पहनोगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्यों, जो काला कलर होता है ना वो गर्मी को अवशोषित कर लेता है, क्या है, और इसलिए ये देख रहा है काले रंग के कपड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहन गर्मी महसूस नहीं होने देते हैं, क्योंकि सफ़ेद जो होते हैं ना वो अच्छे परावर्तक होते हैं, लेकिन काले कपड़े पहनोगे तो मतलब गर्मी अवशोषित होगी कपड़े से तो फिर गर्मी तो लगेगी, लेकिन जब सफ़ेद पहनोगे तो वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, अपनी जो प्रकाश आएगा उसको वापस भेज देता है उसकी किरणों को, इसीलिए गर्मी नहीं लगेगी। दसवां प्रश्न देख लीजिएगा, दसवें दे रखा है श्वास लेते और तथा छोड़ते समय आपके सीने में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए, सांस लेते लेंगे श्वास अगर हम अंदर लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं और बाहर छोड़ते तो सिकुड़ जाते हैं, तो ये और कुछ नहीं, ये आपका आंसर है वो लिख देना, ठीक, ये दसवां। दसवें के बाद 11 प्रश्न देखिएगा, तो 11 में दे रखा है कि जंतु रेशे का उपयोग आप दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं, उदाहरण सहित बताना है। जानते हो रेशे का प्राप्त होने वाले जंतु को जानते रेशे कहते हैं, इनका उपयोग ऊन के रूप में करते हैं, ठीक है, जैसे भेड़ बकरी और याक लामा अल्फा से हम प्राप्त करते हैं।
अब देखिए उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको थोड़े बड़े लिखने पड़ेंगे और अच्छे मार्क के होंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा 12वां प्रश्न है, उम्मीद है विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे सब्जेक्ट के पेपर देख लीजिएगा, सभी के अपलोड कर दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12वां, मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है और जल को किन किन तरीकों से पीने योग्य बनाया जा सकता है, तो ये आंसर है, इसका याद कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। 12वां के बाद 13वां प्रश्न देखिएगा, 13वें पूछा क्या गया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाकर अमाशी तथा बड़ी आंत को नामांकित करना है। सिर्फ अमाशी और बड़ी आंत की बात करी तो हमें चित्र मैंने आपको लिए बना दिया है और ये तो आधा अधूरा है, आप ये पूरा देखिएगा, ठीक है। इसमें सारे शरीर के अंगों के चित्र है बता दिए गए, आपको नामांकित कर दिया है, ठीक है। यहाँ मुंह है, ग्रासिका है, जीवा और ये अमाशय जुदांत्र है, वृदांत्र, गुदा, परेशिका, अग्नाशय, यकृत, पित्तनल, ये जो पित्ताशय वगैरह सब, डायाफ्राम, ये सब कुछ ये दर्शाया गया, तो ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएंगे आप, ओके। 14वां प्रश्न दे रखा है कि गर्मियों में अक्सर दूध और भोज्य सामग्री जल्दी खराब हो जाती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, दूध को खराब होने से बचाने के लिए कौन से उपाय करेंगे, तो ये भी ये इसका उपाय है, तो आप इसे याद कर लेना। अगला 15वां प्रश्न देखिएगा, 15वें पूछा है कि उदाहरण के अनुसार दी की सारणी को पूर्ण करना है आपको। जैसे इसमें पूछा क्या है कि नींबू है वो रंग लाल हो जाता है, यहाँ देखिएगा नीले लिटमस पेपर पर पदार्थ का प्रभाव और लाल लिटमस पेपर पर पदार्थ का प्रभाव, तो अगर ऐसा करेंगे तो नींबू का रस है वो रंग को लाल करेगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा, तो आगे वाले भी आपको इस तरीके से इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो लिखना, तो ओके ये देखिएगा। ये उसके बाद अगला देखिएगा, निम्नलिखित पदार्थों को अम्लीय या क्षारकीय उदासीन पदार्थों में वर्गीकृत, ये अथवा में क्या विद्यार्थी, ये अथवा में, अगर आपको ये नहीं करना है ना कोई बात नहीं, 15 नहीं कर सकते तो ये कर लेना, इसमें मैंने आंसर साथ में इंक्लूड कर दिए। देखो नींबू का रस है वो जैसे अम्लीय है, चूना है वो सारी है, शक्कर का घोल है वो अम्ल है, इमली का रस है वो अम्ल है, नमक का घोल ये सार है और दूध है ये अम्ल है, प्रकार का दही भी अम्ल है और साबुन ये सार है, ओके साबुन सार है, और उसके बाद संतरा है वो अम्ल है और टमाटर है वो टमाटर का रस भी ये अम्ल होता है, एसिड होता है, ओके। अब देखिएगा उसके बाद 16वां प्रश्न देखिएगा, 16 में क्या पूछा गया है कि दिए गए आंकड़ों से दूरी ग्राफ बनाकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 16 में आपको देख लेना है आपको क्या पूछा है कि ग्राफ बनाकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न देखा अ में देखिएगा, क्या कार नियत गति से चल रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए क्या कार है वो नियत गति से चल रही है या नियत गति से कैसे चलेगी देख लीजिएगा, बिल्कुल है वो कार है वो नियत गति से चल रही है, एक मिनट में एक किलोमीटर, दो मिनट में दो, तीन मिनट में तीन और चार मिनट में चार और पाँच मिनट में पाँच किलोमीटर, इस तरीके से एक नियत गति से चल रही है। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि कार की चाल अनियमित होने पर क्या ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होगा, नहीं होगा, अगर नियमित नहीं होगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, ओके इस तरीके से ऐसे ग्राफ हो जाएगा, फिर ऐसे चलेगा फिर ऐसे, और अगर नियमित है तो फिर ऐसे चलेगी। उपरोक्त सारणी के अनुसार यदि कार इसी गति से चल रही है तब 6 मिनट में कार की चाल कितनी होगी, तो 6 मिनट में कितनी हो जाएगी, 6 मिनट की बात करेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगी, ठीक है, 6 किलोमीटर में 6 मिनट में 6 किलोमीटर चलेगी ना, तो इस यहाँ देखिए 6 मिनट में 6 किलोमीटर, तो 6 में 6 का भाग दोगे, ठीक है, तो दूरी का आप याद होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी भी से है और समय भी से है, तो 1 हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा, ओके। अब ये हो गया, और उसके बाद 17वां प्रश्न देखिएगा, 17 में पूछा क्या है कि ऐच्छिक अनैच्छिक और हृदय पेशियों को उनके कार्यों के आधार पर तुलना कीजिए, तो ये आपको लिख देना है अपने हिसाब अपने तरफ से, ठीक है। तो ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आप बता दिया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी करवा दिया, उम्मीद है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यार्थियों, बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।